गोमट्टगिरी में अतिक्रमण के खिलाफ जैन समाज का प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंदौर में आधी रात कैलाश विजयवर्गीय ने ली बैठक। सुबह 6 बजे तक थाने पर ही डटे रहे समाज के लोग। इंदौर में जैन समाज के तीर्थ स्थल गोमट्टगिरी पर अतिक्रमण का विवाद फिर गहरा गया। बुधवार दोपहर 2 बजे जैन समाज के लोग पर्युषण पर्व छोड़ गांधीनगर थाने के सामने धरने पर बैठ गए। वे अतिक्रमण करने वाले गुर्जर समाज के लोगों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। विरोध बढ़ता देख भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आधी रात को बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि जैन और गुर्जर समाज के 2 या 3 प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मसले का हल निकाला जाएगा। समाज के लोगों सहित कलेक्टर इलैया राजा टी और पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया। बैठक में मौजूद जैन समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि गुर्जर समाज द्वारा गोमट्टगिरी पथ पर अतिक्रमण और गुंडागर्दी की जा रही है। जैन समाज का प्रदर्शन 16 घंटे से भी अधिक चला। इस दौरान समाज के लोग थाने के सामने ही सो गए। सभी लोग गुरुवार सुबह 6 बजे गांधीनगर थाने से घर लौटे। इससे पहले बुधवार दोपहर 2 बजे जैन समाज के लोग गांधीनगर थाने पहुंचे। उनका कहना था कि गोमट्टगिरी की सीमा पर गुर्जर समाज के कुछ लोग अवैध निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। पिलर खड़े करने के लिए गड्ढे खोदकर सरिये डाले गए हैं। सूचना मिलते ही जैन समाज के लोग गोमट्टगिरी पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रुकवा दिया निर्माण कार्य। मौके पर पहुंचे पुलिस ने निर्माण कार्य को रोक दिया, लेकिन जैन समाज के सैकड़ों लोग थाने पर ही धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि जब तक सरिये नहीं हटाए जाते तब तक धरना जारी रहेगा। यहीं पर आरती की गई और गुर्जर समाज के डालचंद गुर्जर की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। झूठा आरोप लगाकर दबाव बना रहे गुर्जर समाज के डालचंद गुर्जर ने कहा, हम चार भुजानाथ यात्रा पर गए थे। नए निर्माण की कोई जानकारी नहीं है, एक नई ईंट भी नहीं लगाई गई है। जैन समाज झूठा आरोप लगा रहा है। लगातार वे इस तरह के आरोप लगाकर दबाव बना रहे हैं। वे झूठा मामला बताकर पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। जब कोई निर्माण ही नहीं हुआ तो किस बात के समाज के लोग इकट्ठे किए धरना दे रहे हैं। उल्टी कार्यवाही जैन समाज के लोगों पर झूठा आरोप लगाने के लिए होना चाहिए। हम इस मामले में पुलिस प्रशासन से मिलेंगे और जैन समाज का झूठ बेनकाब करेंगे। बता दें कि 4 महीने पहले भी गोमट्टगिरी में अतिक्रमण का मामला सामने आ चुका है, जिसकी जांच को लेकर अभी मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। डीसीपी बोले, हाईकोर्ट में चल रहा मामला। डीसीपी आदित्य मिश्रा का कहना है कि गोमट्टगिरी का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। विवाद को लेकर दोनों पक्षों को समझाया गया है। एक पक्ष गुर्जर समाज के युवक की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। उन्हें भी समझा चुके हैं कि कोर्ट में केस होने के कारण यह अनुचित है। एसडीएम ने भी मौके पर मौजूद सभी समाजजनों को प्रयास किया है कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप। जैन समाज का आरोप है कि हाई कोर्ट के आदेश का पुलिस और जिला प्रशासन पालन नहीं करवा पा रहा है। इधर गोमट्टगिरी ट्रस्ट एवं सकल जैन समाज का कहना है कि यह मामला संवेदनशील है। कोर्ट में स्टे होने के बाद भी गुर्जर समाज के द्वारा निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। गुर्जर समाज द्वारा जैन समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।